बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इन सोशल लैंग्विस्टिक्स लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी आइडेंटिटी एंड कंटेक्सट ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी एक शख्स की कई आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं ईच ऑफ ऑपिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम अब आइडेंटिटी एज अ वूमेन कभी वो माँ होती है तो कभी वो जो है किसी की लाइफ पार्टनर होती है ऑफिस वर्कर होती है अब लोग क्या करते हैं लोगों की जैसे आइडेंटिटी होती है जिस तरह अपनी आइडेंटिटी को डिस्प्ले करते हैं उसी हिसाब से वो अपनी लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं उसी हिसाब से वो लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं जिस हिसाब से उनकी आइडेंटिटी होती है और मेन पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी जो है नेचुरल नहीं होती आइडेंटिटी को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये नेचर की तरफ से नहीं होता इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अब ओबियसली जो चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है वो एट अ टाइम या फुल लाइफ जो है सेम नहीं रहती ये कुछ ऐसा है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिकन्सट्रक किया जाता है दैट इज़ कंस्टेंटली कंस्ट्रक्टेड एंड रिकन्स्ट्रकट एज पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर और जब आपकी आइडेंटिटी होती है तो ओबियसली लोग आपको पहचानेंगे आपको उस आइडेंटिटी की वजह से आपकी उस आइडेंटिटी की वजह से और लैंग्वेज जो है सिंबलाइज करती है आइडेंटिटीज़ को एंड आर यूज सिग्नल आइडेंटिटीज बाय बाई हु स्पीक देम पीपल आर आल्सो कैटेगर बाय अदर पीपल जो लोग हैं उनको भी कैटेगराइज किया जाता है दूसरों लोगों के ज़रिए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज लैंग्वेज के मुताबिक दे स्पीक जो लैंग्वेज वो बोलते हैं पीपल बिलोंग टू मैनी सोशल ग्रुप्स एंड हैव मैनी सोशल आइडेंटिटीज़ अब लोग जो मुख्तफ़ सोशल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो ओबियसली उनकी सोशल आइडेंटिटीज़ भी डिफरेंट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन में मे बी अ टीचर अब एक टीचर की डिफरेंट आइडेंटिटी होती है अ रियल मैड्रिड सपोर्टर उसकी भी डिफरेंट आइडेंटिटी होगी अर्मन अ परजियन ईटी सी ईच ग्रूप हेज़ इट्स लैंग्वेज और वाइटी उस हर ग्रुप की जो है अपनी एक लैंग्वेज होती है अपनी वैरायटी होती है जिससे आप उसको पहचान सकते हो एग्जांपल अजनल ग्रुप विल हैव अ रिजनल डायलैक्ट हु इज़ अ लैंग्वेज वैरायटी रीजनल डायलेक्ट जो कि एक लैंग्वेज वैरायटी है अपट टू टीम के जो सपोर्टर्स होते हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है उनका अपना एक जारगन होता है जारगन जो है जारगन कुछ ऐसी विकेबलरीज होती है जो हम कुछ ख़ास फील्ड में यूज़ करते हैं अब जो उसी जारगन के बेस पर भी आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप किस फील्ड से ताल्लक़ रखते हो आइडेंटिटीज़ आर नॉट नेचुरल जैसे मैंने पहले बताया था कि आइडेंटिटी जो है नेचुरल नहीं होती उसको कंस्ट्रक्ट की जाती है रिकन्सट्रकट की जाती है बार बार अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स हैव मेनी सोशल आइडेंटिटीज़ एक इंडिविजुअल की कई सोशल आइडेंटिटीज़ होती है एंड लैंग्वेज आइडेंटिटीज़ इसी तरह उसकी लैंग्वेज आइडेंटिटीज़ भी होती है इंडिविजुअल बिलोंग टू मनी ग्रुप्स एंड स्पीक द लैंग्वेज वराइटीज़ ऑफ ईच ग्रुप और एक इंडिविजुल जो है मुतादद जो है ग्रुप से तल्लक रखता है तो उसी तरह वह जो है डिफरेंट लैंग्वेज भी, भी, भी बोलता है मीन हर ग्रुप की लैंग्वेज वो बोल सकता है और वही मैंबर वही ग्रुप जो है वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है स्पोर्ट क्लब भी हो सकता है अ नेशन एंड अनकॉन्श स्पीक इन ईच ग्रुप अ वायटी ऑफ द सेम लैंगवेज And they become conscious of this only if someone uses the wrong words for the group or does not recognize the allusions being made in a group conversation. Speaking the correct the correct variety makes the individual an insider, a member of the group, yeah, in group. Not doing so identities the individual as an outsider or a member of an out group. She or yeah, he is not one of us. And X because. शी या ही डज नाट स्पीक आवर लैंग्वेज ओवरऑल देखा जाए द मेन पॉइंट दैट इज़ दिस डेट आइडेंटिटीज़ आर नॉट नेचुरल आइडेंटिटीज़ जो है नेचुरल नहीं होती उसको जो है कंस्ट्रकट की जाती है रिकन्सट्रक की जाती है और लोगों की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती है एट आ टाइम आइडेंटिटी जैसे वूमेन है वो कभी मदर होती है तो किसी की लाइफ पार्टनर होती है ऑफिस वर्कर होती है अब हम देखेंगे अर्लीयर स्टडीज़ में क्या होता था अर्लियस्ट स्टडीज़ में यह होता था कि जो लैंग्वेज और आइडेंटिटी थी वो बेस करती थी वर्चनिस परस्पेक्टिव पे दैट्स वाई दुकड एट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल वेरिएबल सच एज सोशल क्लास इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन द यूज़ ऑफ लैंग्विस्टिक्स वेरिएबल उनकी अपनी एक सर्टन ग्रामर होती थी मीन्स एक प्रोनसी होती थी और द यूज़ ऑफ वो नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर यूज़ करते थे इसी तरह अगर स्ट्रक्चरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें यह होता था उनकी पर्सपेक्टिव्स ये होती थी लैंग्वेज और आइडेंटिटी के बारे में वो इस नज़र से देखते थे कि जो आइडेंटिटी या लैंग्वेज और आइडेंटिटी जो है दैट इज़ समथिंग इन कंस्टेंट प्रोसेस ये कुछ ऐसा है जो कंस्टेंट प्रोसेस में होता है और उनका मानना ये था कि आइडेंटिटी को बार बार बदला जाता है चेंज किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू डिस्कोर्स के थ्रू एक प्रोसेस के अंदर यानी चेंज होती जा रही है सेम आइडेंटिटी जो है that change hoti hai because identities are not natural identities are constructed reconstructed and identity and context ki agar kar, information when a person gives up about themselves, or himself or herself and in turn their identity depends very much on the context occasion and purpose of the discourse it also depends on the space and place of the interaction लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ कंटेक्स में हो रही होती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेमिनार में एक बंदा जो है अपनी इंट्रोडक्शन देता है तो वो एक कंटेक्सट है जिसके अंदर वो मौजूद है इसकी एग्जांपल ये है जैसे मुख्तफ इंटरव्यूज़ में या आर्मी की इंटरव्यू हो गई किसी भी जगह जब आप इंटरव्यू देते हो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका मार्शल स्टेटस क्या है तो उनका ओवरऑल एक कंटेक्सट है आपकी आइडेंटिटी को जानने का आपकी आइडेंटिटी को रिकगनाइज़ कैसे किया जा रहा है या तो वो एकोमोडेशन देना चाहता है इसलिए आपको जो है आपकी जो मार्शल स्टेटस है उसके बारे में पूछा पूछते हैं लोग आपसे या पर्सनली जो है या पर्सनालिटी को या आपकी जो पर्सनैलिटी थी उसको जो है जज कर रहे होते हैं और इसी तरह ये जो एग्जांपल मैंने लिखा ए टीचर हु सेज़ डोंट डिस्टर्ब अब यहाँ पे क्या होता है आपने अमूमन टीचर्स को नोट किया होगा वो जब क्लास में आते हैं तो वो जो है अपनी आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रैक्ट करते हैं किस तरह करते हैं कि वो पहले से ही बच्चों को बता देते हैं कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्यों क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रैक्ट कर रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना इससे जो है क्या होगा कि वो एनॉय होगा अब इसी तरह कुछ लोग जो है आइडेंटिटी जो अपनी कंस्ट्रैक्ट करते हैं वो जो है अनकनशियसली करते हैं और कुछ लोग कन्शियसली करते हैं लेकिन मोस्टली जो है हैशियसली करते हैं किस तरह बाई द वर्ड बाई योर वर्ड यूजेज या कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं या प्रोनांिएशन यूज़ कर लेते हैं या लैंग्वेज वाइटी यूज़ करते हैं जिससे वो अपनी आइडेंटिटी जो है अनकनशियसली कंस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे यू एस कॉलेज की एक एग्जाम्पल है जैसे यू एस कॉलेज गिव्स एन एग्ज़ैम्पल ऑफ दिस इन हर डिस्कशन और हाउ अ ग्रुप ऑफ मेल यू एस कॉलेज स्टूडेंट्स कंस्ट्रैक्ट हिट्रोसे मेस्किलेटी थ्रू द टॉक दैट दे लैंग्वेज इन वर्ल्ड वॉचिंग टी वी इंडियर कॉलेज डॉम मीन्स कॉलेज हॉस्टल के अंदर टी वी देखते हुए जिस तरह से बात कर रहे होते हैं यू एस कॉलेज स्टूडेंट्स तो वो एक जो है हिट्रोसेशुअल मेस्किलेटी यानी मर्द की जो आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पावर से बातें करते हैं वो मींस दे स्पीक अबाउट पावर एंड दे अदर पॉइंट दैट आइडेंटिटी जो है उसको परसीव भी किया जाता है अब बात करते हैं ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ की ऑनलाइन आइडेंटिटीज जैसे थॉमस 2007 में हैज़ एक्सप्लोर द इशू ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इन ऑनलाइन चैट इनमेंट्स एवरी पर्टिकुलर प्लेस एंड प्लेस एंड स्पेस विद फोकस ऑन एडोलिस साइबर गर्ल्स शी एग्जामस हाउ गर्ल्ज़ यूज़ वर्ड्स एंड इमेज टू इस्टबलिश ऑन लाइन आइडेंटिटीज़ आपने अमूमन देखा होगा जैसे फेसबुक वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है गर्ल्स कैसे अपनी जो है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी या तो वर्ड से कंस्ट्रक करती है या अपनी इमेज जो इनकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनसे अपनी आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रैक्ट करती है तो वो अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रक्ट करती है वर्ड्स के ज़रिए ई के ज़रिए सिम्बल्स के ज़रिए और थॉमस की एक स्टूडेंट थी वेटा उसने भी इसी तरह जो है अपनी आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रैक्ट की थी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट वॉज़ ऑल अबाउट टूडेज़ एंड वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ